मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसे रहा। 16 जुलाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमरावती में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए महाराष्ट्र आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया और इस समिति ने विभिन्न सिफारिशें की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए त्वरित कार्यवाही समिति और मित्र के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। 1,18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिर हमारे राज्य में आ गया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। फास्ट ट्रैक कमेटी और मित्रा दोनों मिलकर उनकी सिफारिश जो है, उनकी सजेशन है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वार फुटिंग पे काम करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि आम लोगों को मानसून सत्र से जो उम्मीदें हैं उसे ध्यान में रखते हुए इस सत्र से सभी आम लोगों के हित में फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से जरूरतमंदों को 86 करोड़ रुपए वितरित किए गए। 17 जुलाई महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 2023 शुरू हो गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधान भवन के प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 2023 शुरू हो गया है और इससे पहले विधान भवन पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर से बातचीत की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। 18 जुलाई मुख्यमंत्री ने ठाणे जिले के पड़घा में कंटेनर और जीप के बीच हुई दुखद दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। वहीं उन्होंने इस हादसे में मारे गए नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए संबंधित सरकारी एजेंसियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 19 जुलाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शाम को बीएमसी के आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मुंबई में जारी भारी बारिश और उसके अनुरूप आपदा प्रबंधन की सतर्कता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी को मुंबई और आसपास के इलाके में जारी भारी बारिश के कारण विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर फंसे यात्रियों के लिए चाय पानी और बिस्कुट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। 20 जुलाई खालापुर में इरशालगढ़ की तलहटी में बस्ती पर दरार पड़ गई। घटना की जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को मिली वो तुरंत वहां पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। अपने एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग, लोकल टीम, टीडीआरएफ के लोग सब अच्छा परिस्थिति बचाव कार्य करते रहे। 21 जुलाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इरशालवाड़ी में भूस्खलन स्थल पर पैदल चलकर गए थे। ये बेहद कठिन रास्ता है और फंसे हुए ग्रामीणों को मदद और बचाव कार्य मुहैया कराने के साथ ही लोगों को साहस देने के लिए मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे। इरशालवाड़ी के ग्रामीणों की मुख्यमंत्री से घटनास्थल पर मुलाकात हुई। शिंदे ने गहनता से पूछताछ की और वस्तुस्थिति जानी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आह्वान को रायगढ़ जिले के उद्योग और गैर सरकारी संगठनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ राहत कार्य के लिए तैनात जनशक्ति के लिए भोजन के पैकेट, चादर, कंबल, अस्थाई आश्रय, कंटेनर, पानी की बोतलें, टॉर्च, बिस्कुट और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री जैसी राहत सामग्री का आना अब शुरू हो गया है। 22 जुलाई मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन इरशालवाड़ी के सभी अनाथ बच्चों को सहायता करेगी। हालांकि समय ने यहाँ के बच्चों पर बहुत बड़ा प्रहार किया लेकिन उन्हें जीवित रहने की शक्ति देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाउंडेशन इन बच्चों को शिक्षा और पालन पोषण देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका परिवार दिल्ली दौरे पर है। इस मौके पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विशेष दौरे पर थे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सुरू असलेले प्रकल्प, राज्याची एकंदरीत परिस्थिती, पावसाची परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत देखील, त्यांच्या योजनांच्या बाबतीत देखील चर्चा झाली। जे प्रकल्प राज्यातल्या जनतेच्या हिताचे प्रकल्प जे आहेत त्याला केंद्र सरकार पूर्णपणे पाठबळ देईल अशा प्रकारचं आश्वस्त देखील आम्हाला केलं।
सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहे।